और बता रहे थे कि नील माधव का विग्रह इतना सुंदर है कि अगर किसी ने एक बार उसका दर्शन कर लिया तो वो जो है मरते वक्त भगवान श्री हरि का रूप लेकर चार भुजाधारी गदा सुदर्शन पद्म के साथ वो लोग चला जाएगा। इतनी पावरफुल दर्शन उस विग्रह का प्रभाव था। और उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि हम नील माधव के दर्शन करने जाएंगे और बाई चांस वो मर जाए दर्शन करने से पहले, फिर भी उसे जो है विष्णु लोक में किसी न किसी सेवा में रख लिया जाएगा। और नील माधव से जो लौट के आता है दर्शन करके उसके शरीर से एक ऐसी अद्भुत खुशबू आती है जिसका आनंद जब तक वो जिंदा रहेगा उस शरीर में रहता रहेगा। तो ये बात वो कर रहे थे, वहाँ चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ का जो मंत्री था उसने सब सुना, तो गया राजा के पास और उनको जाके बोला कि ऐसे ऐसे नील माधव भगवान है और उनके बारे में पंडित साधु इतना बखान कर रहे हैं तो हमें एक बार उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। तो पति पत्नी का एक ही उद्देश्य था कि मरने से पहले एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, बस हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, जो हो सो हो। इसीलिए वो साधुओं को बुलाते थे कि साधु आएंगे तो कुछ न कुछ बताएंगे, कोई ना कोई ऐसा साधु मिल जाएगा जो भगवान का दर्शन करा देगा, क्योंकि भगवान का दर्शन सिर्फ साधु ही करा सकता है।